One, two, you hear the clock ticking, tick tock, you about to stop living. Friend, I want you to remember. But the dead don't have no memory. I'm coming. Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody can control me. I'm coming. रूसा आमिर, आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ। फॉर्म पे आपसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? कंप्लीट और अनसेंसर्ड वर्जन एपिसोड के आखिर में। जानशेर, आप कितने बजे आए थे? जी मैं कल शाम को आया था। आप टंडो बदीन से, तहसील टंडोबा को बदीन। तो क्यों आए इतनी दूर से आप? सर लिविंग ऑन द एज के साथ मोहब्बत है। जी क्या चैलेंज? एक मिनट के अंदर 20 शॉट्स। जुनेद आए यहाँ पे, ऊंचा बोल रहे हैं। मैंने हाथ उल्टे रखे हुए। ठीक है, गिनो। 2, 3 ऊपर आओ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 50, 51, 52। मैं भी अपने एक पर्टिकुलर डेयर सोच कर। जी क्या चैलेंज है? हैंड स्टैंड करें। के खड़े हो जाएं। पका भाई, मैं भी नहीं सोच के। जी क्या चैलेंज सोच के हैं? हेड किक। हेड किक करेंगे। कितनी? 150 हेड किक करोगे एक मिनट में। आओ। चलो पीछे। नीचे नहीं गिरनी चाहिए माउंटेन ड्यू, जो पहले पी लेगा वो जीतेगा। एंड गो। जानशेर आपकी सिलेक्शन हो गई। ये लो, ये ले, आप दोनों की भी सिलेक्शन हो गई। बदीन के माणन के यो ही चवंदस त जेकॾहिं इतने अची वो आया तो अवान की दुआन की जरूरत है। मुख्य दुआ करो तो अगते अची इन प्रोग्राम में अना अगते कदम वधाए सक। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं आप? इसलिए लतीबाद में हूँ, बेसिकली मोहल्ला रेशम गली। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं अपने बारे में। सर मैं डांसर, डांसिंग अच्छी कर सकता हूँ। एक्टिंग कर सकता हूँ। विदाउट म्यूजिक? जी विदाउट म्यूजिक होगा। चले और करो ना, क्या और क्या। ठीक है। आ जा। कलाबाजी लगाते हुए ऊपर आने आपने। जो यहां तक आ गया पहले वो जीत गया, जो नहीं आ सके, जिससे नहीं हो रहा, चुपचाप यहां से उल्टे हाथ से बाहर। एंड गो। बस ठीक है, बाकी लोग चले जाए। हो गया भाई, हो गया। कहाँ जाना चाह रहे हो? दुनिया से बाहर ढूंढ रहे हो रास्ता? क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि चैलेंज मिले, उसकी बेस पे बात हो। जी जी। आप लोग नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक ही चैलेंज मिलेगा, जो जीतेगा वो कराची डेयर्स में आगे जाएगी। अब आपने करना ही है कि सिर्फ अपने सर का इस्तेमाल करना है आपने। जब मैं बोलूंगा गो, तब मारनी है टक्कर। दुआ और एनी, आप दोनों एक दूसरे को एक एक टक्कर मारेंगे। जिसका सर ज्यादा हिलेगा वो हार जाएगी। मारे जी। एनी आप तो आ जाए। सुनीता पहले आप मारेंगी, इससे ज्यादा ये नहीं हिली तो आप रिजेक्ट। आपने मिस कर दिया, आप जाए। हिना मारे, टक्कर दी। हिना आप आ जाए। अब करना ये आपने कि जैसे ही मैं गो बोलूँगा तो सबसे पहले आपने घूम जाना है और इसी तरह उल्टे भागते हुए पीछे देखे बगैर यहाँ तक आना है। घूमे, गो।
रानी आपकी सिलेक्शन हो गई। डेयर का सामान किसी के हाथ में नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब डेयर आप खुद सामान लेकर नहीं आए कोई भी चीज। तो चैलेंज एक ही होगा, एक एक टांग उठा लें, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ घुटना मार के गिनाना है। एंड गो। आप पीछे करो, ठीक है, ये ब्लू शर्ट बाहर, ठीक है बाहर, हाथ नहीं, चले आ जाए सलवार कमीज भाई, हाथ पीछे, चले बाहर, दो का मुकाबला में चले आ जाए, सिलेक्शन हो गया। बैठने के लिए आपको नहीं कहा मैंने अभी। ओके। क्या करते हैं जब आते हैं कहीं? मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना। वालेकुम सलाम, बैठे। थैंक यू। बैग में कोई डेयर का सामान लाई है? नहीं एक्चुअली ये कैप उतार दे। ओके। इतना रेड और मेरे ख्याल से इतना ब्लंट किस्म का बैग कैरी करना एक डेयर होता है। पूरा नाम नहीं लिखा आपने। अलीज़े खान। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? एक्चुअली इस शो में आने के लिए मेरी बहुत सारी रीजंस हैं और ये शो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। क्यों आना चाहती हैं? आना इसलिए चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू शो दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू मी कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। आई रियली नीड टू डू समथिंग बिग, स्पेशली माई फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली के साइड से बहुत ही स्क्रूड अप और बहुत ही अजीब सा एक लाइफ स्टाइल मिला बचपन से, कि अम्मी ना होना, डैड का री मैरी कर लेना, फिर छोटे भाई का इंतकाल हो जाना, ही वॉज द ओनली सिबलिंग, जब वो था तब उसकी कदर ना होना, तो बिल्कुल एक अकेलापन और living without a family and the only family I have is my friends, that's it. So living on the edge mein aake ye tamam pareshaniyan dur to nahi hongi? Still I would be a part of exciting things, adventures, horse riding mera sabse favorite kaam hai. Jab main bahut zyada depressed hoti hu main horse riding karti hu. To horse riding yahan to karwayenge nahi hum. Aap nahi karayenge, lekin still it would add more of the spice of adventures and all. Yahan aapse pucha gaya hai कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है ज़िंदगी में और बुरा कौन लगता है, दोनों जगह क्या लिखा है आपने? मैंने उन दोनों जगह पे होस्ट का नाम लिखा है, दैट इज़ बुकार जगह, लिविंग ऑन द एज। क्या लिविंग ऑन द एज बुरा लगता है? मैं बुरा लगता हूँ, मैं पसंद हूँ, लिविंग ऑन द एज पसंद है, क्या चक्कर है? नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा जी, सुना। मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ऑलरेडी स्क्रूड अप लाइफ में, जो एक और टर्न आया था दैट वाज ऑफ माय डिवोर्स एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ वकार ज़का लिविंग ऑन द एज। क्या इसका रीज़न ये है कि आई यूज़ टू वॉच योर शो डेली लाइक ऑन यूट्यूब्स, ऑल्दो मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम याद नहीं होते थे, मुझे एज सच पता नहीं होता था किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं। अमूमन ईद पे आपके शोज रिपीट हो रहे होते थे। नहीं वो एक मिनट, मुझे बात लंबी नहीं करें, आप क्या कह रही हैं कि आपकी डिवोर्स मेरी वजह से हुई है? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मेरी वजह से कैसे होगी आपकी डिवोर्स? मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आपके शोज जिस तरह देखा करती थी कि हाँ दिन रात के चलो लाइक, और जो ड्रामा वगैरह चल रहे होते हैं उससे मैं हट के कुछ देख। नहीं नहीं मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मेरी वजह से आपके डिवोर्स कैसे हो सकती है? तो आप मेरी स्टोरी पूरी तो सुनिए, तो आप थोड़ी छोटी कर लेना स्टोरी को। अच्छा, मैं इन द शॉर्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है वो। जी तो जब मैं इतना ज्यादा एंथुसियास्टिकली देख रही होती थी और मैं तारीफें कर रही होती थी, अरे देखो फलाना डेयर ये किया, आज इस शो में ये हो गया, आज इस शो में वो हो गया, तो उस बात को लेके बहुत इश्यूज चढ़े, बहुत इश्यूज चलते गए एंड इन द लास्ट आई वाज हैविंग अ चॉइस वेदर यू गो फॉर दिस लिविंग ऑन द एज थिंग और वेदर यू गो फॉर मी। नहीं ये मुझे समझ, मी क्या मतलब? बस इट हैड, किसने आपसे बोली ये बात? आपकी सास बोलती थी, हस्बैंड बोलता था, कौन? नहीं नहीं मेरे हस्बैंड से इस तरह की बात हुई है। आपका हस्बैंड ये बोलता था कि आप वकार ज़का के शो देखती हैं तो इसलिए आपको तलाक दे दी उसने? ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। नहीं देखिए तो आप छोड़ देती शो बढ़ के थोड़ी आपके हस्बैंड से?
शो बढ़ के नहीं है लेकिन इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती है ना उस शो में. अगर कोई अच्छा कर रहा है लाइक अगर अगर पता है क्या, एक मर्द की भी बात मैं बताती हूँ, उस शो में आपके जो शोज होते हैं उसमें लड़कियाँ आगे बढ़ के डेयरिंग चीज़ें कर रही होती हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स देता है अमूमन मर्दों को. और जब एक घरेलू औरत बैठ के वो शो देख रही होती है तो घर का बंदा सोच रहा होता है कि यार ये इस टाइप के शोज़ देख रही है, ये इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है, इसको ये कैसा सोच रही है. हम लोग अब तक इतने ड्यूअल पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं, अब तक हम लोग इतनी कन्फ्यूज पर्सनालिटीज़ के मालिक हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी औरतें दब के रह जाएँ और वो किसी चीज़ में भी ग्रो ना कर सकें. यही तो मैं आपको बता रही हूँ. दो चीज़ें जी. पहली चीज़ तो ये कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दे कि वो कोई टीवी शो देख रही हो. यार झूठ नहीं बोला है. आपका हस्बैंड अगर आपको पसंद नहीं करता कि आप यहाँ आए तो फिर क्यों आ रही हैं? डिवोर्स हो गई जिस वजह जिस चीज की वजह से डिवोर्स हो गई वहाँ आने की क्या जरूरत है? एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट हिम राइट नाउ. आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम. मैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती, मैं उसको बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहती. राइट नाउ द पीपल हु आर रिलेटेड टू मी, हु आर माई फैमिली, आर माई फ्रेंड्स. और बहुत मज़े की बात आपको बताऊं, आप फिर बोलेंगे कि मैं झूठ कह रही हूँ. बहुत मज़े की बात ये है कि मेरे फ्रेंड्स भी आपसे चिढ़ते हैं. अच्छा. और वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि मैं आपका लिविंग ऑन द एज आके ऑडिशन दूं. और मैंने पता नहीं किस तरह से निकली और कितना नहीं, लड़ी. तो आपके दोस्त क्यों नहीं पसंद करते थे? उनके पास एक सिंपल रीज़न होती है कि नहीं, एज एन लड़की तुम लिविंग ऑन द एज में जाओगी, उल्टी सीधी हरकतें करोगी और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा. मेरे कहा सो व्हाट यार, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, आप लोग मजाक नहीं उड़ाते, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, आप लोगों से भी मेरा मजाक चलता है, दैट्स अ कॉम्पिटिशन थिंग, लेट मी गो एंड ट्राई वंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वो वाली खातून है जो जानबूझ के किसी को जिद बना लेती है और उस चक्कर में बड़े से बड़ा लॉस हो जाए लेकिन आप अपनी जिद के ऊपर कायम रहती हैं. हमारे मुल्क में अब भी औरत को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारी लाइक जॉब की जिंदगी हो, चाहे वो हमारी घर की जिंदगी हो, चाहे वो हमारी स्टडीज की जिंदगी हो. स्टडीज की जिंदगी में आपको अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है. प्रॉब्लम ये है कि आप हैं कॉम्प्लेक्स्ड कि औरत को क्योंकि दबाया जाता है. मैं लिविंग ऑन द एज में जाके साबित करूंगी कि औरत को जो भी दबाता है मैं उससे ऊपर आऊंगी, क्योंकि जितने मेरे दोस्त नहीं, आपको मना कर रहे हैं, आप जिद क्यों बना रही हैं? आपके दोस्त बोल रहे हैं आप नहीं मान रही, आपका हस्बैंड बोल रहे हैं आप नहीं मान रही, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली. मतलब अगर आप ऊपर से कूद भी रही होंगी छत से और 100 लोग आपको कहेंगे नहीं कूदना, तो आप बोलेंगे मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जिंदगी, तो आपके साथ के जो लोग होंगे उनका सत्यानाश नहीं होगा? नहीं. ठीक है, आ जा. सोच के आए आप? प्लास्टिक के ढक्कन जो होते हैं वो मुंह से चबाऊंगा. चबाएंगे या खाएंगे? खाऊंगा. इससे पहले कितनी दफा आप लिविंग ऑन द एज में आ सके हैं? 2 दफा आए. तीसरी दफा क्यों आ रहे हैं आप? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मोमिन को डेयर हराया था तो उसके बाद उन्होंने बहुत इंसिस्ट की थी, तो उन्होंने कराची मिस्टर कराची थे उनको हराया था, तो शायद आपको लगा कि वो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है तो इस वजह से आप उसको आगे. और उससे पहले? उससे पहले वो पाकिस्तान टूर जो सबसे पहले आपका इंडोर शो था उसमें हार गए थे आप. मैंने आईब्रो शेविंग की थी उसके बाद आप हार गए. हाँ, सेकंड में. तो जो भी चैलेंज आप करने आए हैं जी, इसमें अगर आप सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपका आखिरी चांस है, इसके बाद आप लिविंग ऑन द एज में नहीं आएंगे जी. माउंटेन ड्यू की बॉटल उठाओ, पीछे ढक्कन खाना है आपने 1 मिनट में. दस सेकेंड. पंद्रह सेकेंड. तीस सेकेंड. जहां मसला है छोड़ दे वहां. पैंतीस सेकेंड. चालीस सेकेंड. आखिरी 5 सेकेंड.
3 2 1 रुक जा, खड़े हो जाओ वहाँ। हाँ भाई, इसकी करें सिलेक्शन नहीं करें? ये ले नादिया, आपकी सिलेक्शन हो गई। अपना एक एक पार्टनर चूज कर लो। जब मैं आपको गो बोलूंगा ना, तो जो दूसरे पार्टनर हैं, उनको लात मार के नीचे गिराना है। एंड गो। चले, आपके कंधे से हाथ अट गए पीछे। जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा। बस ठीक है, हट जाओ। ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, खत्म, रुक जाए। इस दफा शो में ये होना था कि जहन कितना आप चला सकते हैं। जो मैं आपसे सवाल करूंगा उसका फट जवाब देना है आपने। सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा उसको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? 17 × 12। हाँ चल हट जा, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट। 24। बस का हो गया, कितना? 24। बस इसकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाओ। बाकी लोग आ जाइए। हमने इस दफा किया ये है कि जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं चैलेंज कराएंगे। आप में से कौन ऐसा है जो खुद कोई चैलेंज सोच के आया है? एक मिनट में 150 टैपिंग कर सकता हूँ। जी शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मिनट, कौन सा चैलेंज है भाई ये? आपकी उम्र क्या है? 16। आईडी कार्ड माँ बाप का कहाँ है? आ जाए, आइए। आपका नाम क्या है? अख्तर खान। जी क्या सोचा हुआ है आपने? ये पिन यहाँ चेक के अंदर घुस रहे। कौन सी पिन दिखाएं जरा सामने? वो अपना सुई है। वो पेपर साइन कराओ। डाले। मेरे सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद आप क्या करने आए? मैं चैलेंज, अपना चैलेंज खुद अपने साथ लेकर आया हूँ, तो मैं डेयर करना। क्या करेंगे? इसे आप बोले तो आप, मैं पंच से भी तोड़ सकता हूँ। ओके अच्छा, अगर आप सर का बोले तो मैं सर से। रख दें शीशा साइड में। करना ये भाई जो यहाँ खड़े हैं इनसे आपका मुकाबला है। ये स्केटबोर्ड है, इस पे हाथ रखने, टांगे ऊपर। आए भाई, करना ये आप लोगों ने कि यहाँ पर
जितने भी जी जी कुछ सोच रहे डेयर है मेरा, मैं तमाम के तमाम को चैलेंज करता हूँ। पानी के टब में मैं अपने नाक पड़ के अंदर हुआ, सबसे आखिर में बाहर आऊंगा, सबसे चैलेंज चाहे एक ही करके सबसे करवा लें, चाहे अलग करवा लें, किसी काम करवा लें, मैं हार जाऊँगा रोता नहीं जाऊँगा, सीधे भाग जाऊँगा, वरना सबको आराऊंगा तो फिर बता दूँगी मेरे चैलेंज सबको जितने भी खड़े। पानी कहाँ से लाए? मैं लाया था, मैंने सोचा था अपना सामान खुद ले जाऊँगा, प्लस पॉइंट होगा, लेकिन प्लस पॉइंट क्या वो एक मिनट रुकना यार। ये लड़का यहाँ इससे बने था, यही लाइन में लगकर आया हुआ है, चुपचाप बैठा रहा था तब इसका नंबर आया था। जो ज्यादा शोर करेगा मेरे क्रू से बदतमीजी करेगा, बात नहीं सुनेगा, बस उसका ऑडिशन नहीं लूंगा मैं। अच्छा भाई करना ये आपने कि सेंटर में आना है, ये चीज नहीं हिलनी चाहिए, पीछे कुछ नहीं हिलना चाहिए, जो जिसकी शर्ट पहले उतार देगा वो जीतेगा। एंड गो। ठीक है आप अड़ जाए आ जाए। अच्छा आप फोकस करने का आपको पूरा मौका मिलेगा, आप कह रहे हैं फोकस नहीं हुआ। एंड गो। चले आज खड़े हो जाए भाई सामने। ये ने कहा वहां खड़े हो जाए सामने, पढ़े क्या लिखा है इस पे? सलमान लिखा हुआ है। सलमान क्यों लिखा होगा? इसको गिरा दिया आपने, मारना था। सलमान की सिलेक्शन हो गई। क्या नाम है आपका? फहीम रजा जी। कहाँ से आए? शाकीवाड़ा लियारी से। थैंक यू डियर है। वकार भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं इस शो के लिए बेहतरीन कंटेस्टेंट कैसे साबित हो सकता हूँ। मैंने ये पूरा आपका ऑल थ्रू सीजन देखा है सर, मैं उन जो कंटेस्टेंट जो ऑल थ्रू जितने हैं उनसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मैं उनके पास सर डेयर थे, उन लोग डेयरिंग पर्सन थे, लेकिन उनके पास एक्स फैक्टर नहीं था जो एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट के पास होना चाहिए। मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने सारे रियलिटी शो देखे हैं। अच्छा ये एक्स फैक्टर क्या होता है भाई? सर एक्स फैक्टर क्या होता है कि एक हाईलाइट सर एक होता है कंटेस्टेंट जो एंटरटेन भी कर रहा होता है शो में, उसके पास ट्विस्ट भी होते हैं डालने के लिए और वो शो को अच्छी तरह लेकर आगे चल सकता है। ट्विस्ट तो कंटेस्टेंट नहीं मैं डालता हूँ। हाँ सर वो चले ट्विस्ट नहीं। कोई डेयर सोच के आए हो? सर डेयर सोच के नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूँगा। अच्छा वहाँ जाके बैठ जाओ। कोई अपना डेयर का सामान लाया साथ? नहीं लाया तो फिर चैलेंज हम लोग देंगे। होगा ये भाई आपके साथ, आप में से वो लोग सेलेक्ट होंगे जो यहाँ खड़े खड़े कंप्लीट गंजे हो जाएंगे। जो नहीं होना चाहता वो आराम से जा सकता है। हाँ इमरान साहब शुरू हो जाए। कराची डियर्स में आपसे मुलाकात होगी। हाँ भाई दिमाग चलाना है या टॉर्चर सहना है? दिमाग चलाना। दिमाग? टॉर्चर का कौन कौन है? एक दो तीन। आप दोनों दिमाग वाले। 67 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके लिए, 76 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके लिए। 76 मल्टीप्लाई बाय 4 सर 300। आपकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाए। अब यहाँ पर टॉर्चर चाहिए आपको या दिमाग का इस्तेमाल करेंगे? टॉर्चर। 5 सेकंड में पीनी है, पिए। गिरानी नहीं है बार। ढक्कन खोलने के बाद टाइम स्टार्ट। हाँ भाई ढक्कन खोल लिया। एंड गो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आ जाए।
करना ये आपने कि जब मैं गो बोलूंगा सब भाग कर आएंगे, कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेंगे, 3 मिनट तक मैं देखूंगा, 3 मिनट के बाद जो कुर्सी पे बैठा रहेगा उसकी सिलेक्शन होगी। एंड गो। तो भाई सारे, अब जितने लोग यहां खड़े हुए हैं ना, सबसे पहले एक टांग ऊपर कर लें, जो इस टेबल तक पहले आएगा वो जीत जाएगा। गो। बस ठीक है, ये आ गया, ये ले फेरोज खान साहब। ज़ारा रहमान, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। इस शो में क्यों आना चाहती हैं? ऐसे आपको देखने का शौक था, इसने आगे सिर्फ देखने आई थी, ये शो में आगे जाना है। आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ डिसाइड कर लो, देखने आई हो या आगे जाना है? डेली देखूंगी ना। फिर अपनी कोई खास बात बताइए। ज़्यादातर सिंगिंग का शौक है। गाएं। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए तुम अंधेरों में, यूं चांदनी भर गए। एक मिनट तक चीख मारती रहे। ओके। गो। कुछ ऐसा करना है आपने कि लोग एंटरटेन हो। बैठे। कभी छेड़ा किसी लड़के ने आपको? हाँ। आप यहाँ इस कैमरे में बताएं जरा लड़कों को, जो अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, देखो भाई ये तरीका इस तरह कर लो तो मैं बात सुन लूँगी। मोस्टली जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं उन्हीं से ज़्यादा इंसान बात करता है, और स्ट्रेंजर्स अगर रिस्पेक्ट दे के बात करें तो ऑब्वियसली कि हर कोई बात करेगा। क्या बोलें, आपसे बात करना चाहते हैं? नहीं, रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बहन ही बना लें, एज अ फ्रेंड भी रिस्पेक्ट की जा सकती है। बोल सकता है कि जय मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, 2 मिनट दे दें। ये फॉर्म उठाएं। बैठे। किस किस्म की लड़कियाँ आप समझती हैं बुरी हैं? ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना, जो मुझे लड़कियों की चीज़ बुरी लगती है वो ये लगती है कि वो कार्ड बहुत ज़्यादा करती हैं। क्या करती हैं? कार्ड बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियाँ आपस में एक दूसरे की भी। दोस्त नहीं बन सकती ना लड़की लड़की की? बहुत कम मिलती हैं। लाइक क्या वजह है इसकी? जेलसी आई थी। आपके हाथ में जो पेपर है ये अगर आपने आधा खा लिया तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एंड गो। इसकी बिरयानी नहीं बनानी, से खाना है। हलक में फंस गया ना तो गई। ठीक है ज़ारा, रुक जाए, यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाता है कि आप क्या कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी सिलेक्शन हो गई। रूसा आमिर, आप तो रिजेक्ट हो गई थी। हाँ, फॉर्म पे आपसे पूछा गया कि आपका फेवरेट डेयर क्या है, तो क्या लिखा है आपने? इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। भाई लड़की को नहीं खींच के गिराना था, खुद हिलना था, मुर्दा उठाने नहीं आई थी मैं। ओ
पड़ता है। ब्यूटी नहीं न बॉडी का मजा पानी है, गर्ल जो हिम्मत तू दिखा, फेमस है ना तू बदनाम है बस आम है। Clock ticking, tick tock, you about to stop living. Friend, fine. I want you to remember. But the day don't have no memory. I'm coming. Nobody can stop me. Nobody can hold me. Nobody can control me. I'm coming. Rusa Amir, आप तो reject हो गई थी। हाँ। Form पे आपसे पूछा गया है कि आपका favorite dare क्या है, तो क्या लिखा है आपने? Complete और uncensored version episode के आखिर में। जानशेर, आप कितने बजे आए थे? जी मैं कल शाम को आया था। आप टंडो बदीन से? तहसील टंडोबा को बदीन। तो क्यों आए इतनी दूर से आप? सर लिविंग ऑन द एज के साथ मोहब्बत है। जी क्या चैलेंज? एक मिनट के अंदर 20 पुशअप करूंगा। जुनेद आए यहाँ पे, ऊंचा बोल रहे हैं। मैंने हाथ उल्टे रखे हुए। ठीक है गिनो। 2, 3 ऊपर आओ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 50, 51, 52। मैं भी अपने एक पर्टिकुलर डेयर सोच कर रहा हूँ। जी क्या चैलेंज है? हैंड स्टैंड करें। ठीक है खड़े हो जाएं। पका भाई मैं भी डेयर सोच के आया। जी क्या चैलेंज सोच के आए? हेड किक। हेड किक करेंगे। कितनी? 150 हेड किक करोगे एक मिनट में। आओ चलो पीछे। नीचे नहीं गिरनी चाहिए माउंटेन ड्यू, जो पहले पी लेगा वो जीतेगा। एंड गो। जानशेर आपकी सिलेक्शन हो गई। ये लो, ये ले आप दोनों की भी सिलेक्शन हो गई। बदीन के माणन के यो ही चवंदस जो इतने अची वो आया तो अवान की दुआ की जरूरत है। मुख्य दुआ करो तो अगत अची इन प्रोग्राम में अना अगत कदम वजाए सक। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं आप? इसलिए लतीबाद में हूँ, बेसिकली मोहल्ला रेशम गली। कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं अपने बारे में। सर मैं डांसर, डांसिंग अच्छी कर सकता हूँ। करें एक्टिंग कर सकता। विदाउट म्यूजिक? जी विदाउट म्यूजिक होगा। चले और करो ना। क्या और क्या? ठीक है। आ जाए। कलाबाजी लगाते हुए ऊपर आने आपने। जो यहां तक आ गया पहले वो जीत गया, जो नहीं आ सके जिससे नहीं हो रहा चुपचाप यहां से उल्टे हाथ से बाहर। एंड गो। बस ठीक है, बाकी लोग चले जाएं। हो गया भाई, हो गया। कहाँ जाना चाह रहे हो? दुनिया से बाहर ढूंढ रहे हो रास्ता? क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि चैलेंज मिले उसकी बेस पे बात हो। जी जी। आप लोग नीचे आ जाइए यहाँ पे। एक ही चैलेंज मिलेगा
जो जीतेगा वो कराची डेयर्स में आगे जाएगी। अब आपने करना ही है कि सिर्फ अपने सर का इस्तेमाल करना है आपने। जब मैं बोलूंगा गो तब मारनी है टक्कर। दुआ और एनी, आप दोनों एक दूसरे को एक एक टक्कर मारेंगे, जिसका सर ज्यादा हिलेगा वो हार जाएगी। मारे जी। एनी आप तो आ जाए। सुनीता पहले आप मारेंगी, इससे ज्यादा ये नहीं हिली तो आप रिजेक्ट, आपने मिस कर दिया आप जाए। हिना मारे, टक्कर थी। हिना आप आ जाए। अब करना ये आपने कि जैसे ही मैं चले आ जाए, खड़े हो जाए भाई सामने। ये ने कहा वहां खड़े हो जाए सामने, पढ़े क्या लिखा है इस पे। सलमान लिखा हुआ है, सलमान क्यों लिखा होगा, इसको गिरा दिया आपने, मारना था सलमान की सिलेक्शन हो गई। क्या नाम है आपका। फहीम रजा जी। कहाँ से आए। चाकीवाड़ा लियारी से। थैंक यू डियर। वकार भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं इस शो के लिए बेहतरीन कंटेस्टेंट कैसे साबित हो सकता हूँ। मैंने ये पूरा आपका ऑल थ्रू सीजन देखा है सर, मैं उन जो कंटेस्टेंट जो और तो जितने हैं उनसे मैं बेहतर हो सकता हूँ। कैसे, क्योंकि मैं उनके पास सर डेयर थे, उन लोग डेयरिंग पर्सन थे, लेकिन उनके पास एक्स फैक्टर नहीं था जो एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट के पास होना चाहिए। मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैंने सारे रियलिटी शो देखे। अच्छा ये एक्स फैक्टर क्या होता है भाई। सर एक्स फैक्टर क्या होता है कि एक हाईलाइट सर एक होता है कंटेस्टेंट जो एंटरटेन भी कर रहा होता है शो में, उसके पास ट्विस्ट भी होते हैं डालने के लिए और वो शो को अच्छी तरह लेकर आगे चल सकता है। ट्विस्ट तो कंटेस्टेंट नहीं मैं डालता हूँ। हाँ सर वो चले ट्विस्ट नहीं। कोई डेयर सोच के आए हो। सर डेयर सोच के नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं वो कर लूँ। अच्छा वहाँ जाके बात। कोई अपना डेयर का सामान लाया साथ, नहीं लाया तो फिर चैलेंज हम लोग देंगे। होगा ये भाई आपके साथ, आप में से वो लोग सेलेक्ट होंगे जो यहाँ खड़े खड़े कंप्लीट गंजे हो जाएंगे। जो नहीं होना चाहता वो आराम से जा सकता है। हाँ इमरान साहब शुरू हो जाए। कराची डियर्स में आपसे मुलाकात होगी। हाँ भाई दिमाग चलाना है या टॉर्चर सहना है। दिमाग चलाना। दिमाग टॉर्चर का कौन कौन है। एक दो तीन, आप दोनों दिमाग वाले। 67 मल्टीप्लाई बाय 7 आपके लिए, 76 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके लिए। 76 मल्टीप्लाई बाय 4 सर 300। आपकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाए। अब यहाँ पर टॉर्चर चाहिए आपको या दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। पांच सेकंड में पीनी है, पिए। गिरानी नहीं है बार। ढक्कन खोलने के बाद टाइम स्टार्ट। हाँ भाई ढक्कन खोल लिया एंड गो। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आ जाए। करना ये आपने कि जब मैं गो बोलूंगा सब भाग कर आएंगे, कुर्सी पे बैठने की कोशिश करेंगे। 3 मिनट तक मैं देखूंगा, 3 मिनट के बाद जो कुर्सी पे बैठा रहेगा उसकी सिलेक्शन होगी। एंड गो। भाई सारे, अब जितने लोग यहां खड़े हुए हैं ना, सबसे पहले एक टांग ऊपर कर लें, जो स्टेबल तक पहले आएगा वो जीत जाएगा। गो।
बस ठीक है, ये आ गया। ये ले फेरोज खान साहब। ज़ारा रहमान, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। इस शो में क्यों आना चाहती हैं? ऐसे आपको देखने का शौक था, इसलिए आ गई। सिर्फ देखने आई थी? ये शो में आगे जाना है? आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ डिसाइड कर लो, देखने आई हो या आगे जाना है? डेली देखूंगी ना फिर। अपनी कोई खास बात बताइए। ज़्यादातर सिंगिंग का शौक है। गाएं। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए तुम अंधेरों में यूं चांदनी भर गए। एक मिनट तक चीख मारती रहे। ओके गो। कुछ ऐसा करना है आपने कि लोग एंटरटेन हो। हट जाओ। ठीक है ठीक है, बस ठीक है, खत्म, रुक जाए। इस दफा शो में ये होना था कि जहन कितना आप चला सकते हैं। जो मैं आपसे सवाल करूंगा उसका फट जवाब देना है आपने। सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा उसको ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? 17 × 12। हाँ चल हट जा, इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट। बस का हो गया कितना? बस इसकी सिलेक्शन हो गई है, आ जाओ। बाकी लोग आ जाइए। हमने इस दफा किया ये है कि जो लोग भी यहां पर आ रहे हैं चैलेंज कराएंगे। आप में से कौन ऐसा है जो खुद कोई चैलेंज सोच के आया है? एक मिनट में 150 टैपिंग कर सकता हूं। जी शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. एक मिनट, कौन सा चैलेंज है भाई ये? आपकी उम्र क्या है? 16. आईडी कार्ड माँ बाप का कहाँ है? आ जाए, आइए। आपका नाम क्या है? अख्तर खान। जी क्या सोचा हुआ आपने? ये पिने यहाँ चेक के अंदर घुसेंगे। कौन सी पिने दिखाएं जरा सामने? वो अपना सुई है। वो पेपर साइन कराओ। डाले। ये सिलेक्शन हो गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद आप क्या करने आए? मैं चैलेंज, अपना चैलेंज खुद अपने साथ लेकर आया हूँ, तो मैं डेयर करना। क्या करेंगे? इसे आप बोले तो आप, मैं पंच से भी तोड़ सकता हूँ। ओके अच्छा, अगर आप सर का बोले तो मैं सर से। रख दें शीशा साइड में। करना ये है, ये भाई जो यहाँ खड़े हैं इनसे आपका मुकाबला है। ये स्केट बोर्ड है, इस पे हाथ रखना है, टांगे ऊपर। आए भाई,
करना ही है आप लोगों ने कि यहाँ पर जितने भी जी जी कुछ सोच मैं तमाम को चैलेंज करता हूँ पानी के टब में मैं अपने राग पढ़ के समझ रखूंगा सबसे आखिर में बाहर आऊंगा सबसे चैलेंज चाहे एक ही करके सबसे करवा लें चाहे अलग अलग करवा लें किसी काम करवा लें मैं हार जाऊंगा रोता नहीं जाऊंगा सीधे भाई जाऊंगा वरना सबको हराऊंगा तो फिर बता रहा मेरे चैलेंज सब जितने भी खड़े पानी कहाँ से लाए मैं लाया था मैंने सोचा था अपना समाज खुद ले जाऊंगा प्लस पॉइंट होगा लेकिन प्लस पॉइंट क्या वो एक मिनट रुकना यार ये लड़का यहाँ से बने था यही लाइन में लगकर आया हुआ चुपचाप बैठा रहा था तब इसका नंबर आया था जो ज्यादा शोर करेगा मेरे क्रू से बदतमीजी करेगा बात नहीं सुनेगा बस उसका ऑडिशन नहीं लूंगा मैं। अच्छा भाई करना ये आपने कि सेंटर में आना है ये चीज नहीं हिलनी चाहिए पीछे कुछ नहीं हिलना चाहिए जो जिसकी शर्ट पहले उतार देगा वो जीतेगा एंड गो ठीक है आप आ जाए अच्छा आप फोकस करने का आपको पूरा मौका मिलेगा आप कह रहे हैं फोकस नहीं हुआ एंड गो अमूमन मर्दों को और जब एक घरेलू औरत बैठ के वो शो देख रही होती है तो घर का बंदा सोच रहा होता है कि यार ये इस टाइप के शोज देख रही है ये इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है इसको ये कैसा सोच रही है हम लोग अब तक इतने ड्यूअल पर्सनालिटीज के मालिक हैं अब तक हम लोग इतनी कंफ्यूज पर्सनालिटीज के मालिक हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी औरतें दब के रह जाएं और वो किसी चीज में भी ग्रो ना कर सके यही तो मैं आपको बता रही हूं दो चीजें पहली चीज तो ये कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दे कि वो कोई टीवी शो देख रही हो यानी झूठ नहीं बोला है आपका हस्बैंड अगर आपको पसंद नहीं करता कि आप यहाँ आए तो फिर क्यों आ रही हैं डिवोर्स हो गई जिस चीज की वजह से डिवोर्स हो गई वहाँ आने की क्या जरूरत है एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट हिम राइट नाउ आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम मैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती मैं उसको बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहती राइट नाउ द पीपल हु आर रिलेटेड टू मी हु आर माई फैमिली आर माई फ्रेंड्स और बहुत मज़े की बात आपको बताऊँ आप फिर बोलेंगे कि मैं झूठ कह रही हूँ बहुत मज़े की बात यह है कि मेरे फ्रेंड्स भी आपसे चिढ़ते हैं अच्छा। और वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि मैं आपका लिविंग ऑन द एज आके ऑडिशन दूँ और मैंने पता नहीं किस तरह से निकली और कितना नहीं, लड़ी। तो आपके दोस्त क्यों नहीं पसंद करते थे उनके पास एक सिंपल रीज़न होती है कि नहीं एज एन लड़की तुम लिविंग ऑन द एज में जाओगी उल्टी सीधी हरकतें करोगी और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा मेरे कहा सो व्हाट यार आप लोग मेरे फ्रेंड हो आप लोग मजाक नहीं उड़ाते वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली आप लोगों से भी मेरा मजाक चलता है दैट्स अ कॉम्पिटिशन थिंग लेट मी गो एंड ट्राई वंस लेट्स सी व्हाट हैपेंस मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वो वाली खातून है जो जानबूझ के किसी को जिद बना लेती है और उस चक्कर में बड़े से बड़ा लॉस हो जाए लेकिन आप अपनी जिद के ऊपर कायम रहती हैं हमारे मुल्क में अब भी औरत को स्ट्रगल करना पड़ता है चाहे वो हमारी लाइक जॉब की जिंदगी हो चाहे वो हमारी घर की जिंदगी हो चाहे वो हमारी स्टडीज की जिंदगी हो स्टडीज की जिंदगी में आपको अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है प्रॉब्लम ये है कि आप हैं कॉम्प्लेक्स्ड कि औरत को क्योंकि दबाया जाता है मैं लिविंग ऑन द एज में जाके साबित करूंगी कि औरत को जो भी दबाता है मैं उससे ऊपर आऊंगी क्योंकि जितने मेरे दोस्त नहीं, आपके नहीं, दोस्त नहीं, आपको मना कर रहे हैं आप जिद क्यों बना रही हैं आपके दोस्त बोल रहे हैं आप नहीं मान रही आपका हस्बैंड बोल रहे हैं आप नहीं मान रही क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली मतलब अगर आप ऊपर से कूद भी रही होंगी छत से और 100 लोग आपको कहेंगे नहीं कूदना तो आप बोलेंगे मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जिंदगी तो आपके साथ के जो लोग होंगे उनका सत्यानाश नहीं होगा नहीं ठीक है आ जा सोच के आए आप प्लास्टिक के ढक्कन जो होते हैं वो मुंह से चबाऊंगा चबाएंगे या खाएंगे खाऊंगा इससे पहले कितनी दफा आप लिविंग ऑन द एज में आ सके हैं दो दफा आए तीसरी दफा क्यों आ रहे हैं आप क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने मोमिन को डेयर हराया था तो उसके बाद उन्होंने बहुत इंसिस्ट की थी तो उन्होंने कराची मिस्टर कराची थे उनको हराया था तो शायद आपको लगा कि वो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है तो इस वजह से आप उसको आगे उससे पहले वो पाकिस्तान टूर जो सबसे पहले आपका इंडोर शो था उसमें हार गए थे आप मैंने आईब्रो शेविंग की थी उसके बाद आप हार गए हाँ सेकंड में तो जो भी चैलेंज आप करने आए हैं जी
इसमें अगर आप सही तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आपका आखिरी चांस है, इसके बाद आप लिविंग ऑन द एज में नहीं आएंगे जी। माउंटेन ड्यू की बॉटल उठाओ, पीछे ढक्कन खाना है आपने एक मिनट में। दस सेकंड, पंद्रह सेकंड, तीस सेकंड, जहां मसला है छोड़ दे वहां। पैंतीस सेकंड, चालीस सेकंड, आखिरी पांच सेकंड। थ्री टू वन, रुक जा, खड़े हो जाओ। हाँ भाई, इसकी करें सिलेक्शन नहीं करें? ये ले नादे, आपकी सिलेक्शन हो गई। अपना एक एक पार्टनर चूज कर लो। जब मैं आपको गो बोलूंगा ना, तो जो दूसरे पार्टनर हैं उनको लात मार के नीचे गिराना है। एंड गो। चले, आपके कंधे से हाथ अट गए पीछे। जो खड़ा रहेगा वो जीतेगा। बस ठीक है, गो बोलूंगा तो सबसे पहले आपने घूम जाना है और इसी तरह उल्टे भागते हुए पीछे देखे बगैर यहां तक आना है। घूमे, गो। रानी, आपकी सिलेक्शन हो गई। डेयर का सामान किसी के हाथ में नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब डेयर आप खुद सामान लेकर नहीं आए कोई भी चीज। तो चैलेंज एक ही होगा, एक एक टांग उठा ले, हाथ नहीं लगाना, सिर्फ घुटना मार के गिनाना है। एंड गो। हाथ पीछे करो, ठीक है, ये ब्लू शर्ट बाहर, ठीक है बाहर, हाथ नहीं, चले आ जाए सलवार कमीज भाई, हाथ पीछे, चले बाहर, दो का मुकाबला में। चले आ जाए, सिलेक्शन हो गया। बैठने के लिए आपको नहीं कहा मैंने अभी। ओके। क्या करते हैं जब आते हैं कहीं? मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करते हैं ना। वालेकुम सलाम, बैठे। थैंक यू। बैग में कोई डेयर का सामान लाई है? नहीं, एक्चुअली इतना, ये कैप उतार दे। ओके। इतना रेड और मेरे ख्याल से इतना ब्लंट किस्म का बैग कैरी करना एक डेयर होता है। पूरा नाम नहीं लिखा आपने। अलीजे खान। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? एक्चुअली इस शो में आने के लिए मेरी बहुत सारी रीजंस हैं और ये शो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। क्यों आना चाहती हैं? आना इसलिए चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू शो दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू मी कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। आई रियली नीड टू डू समथिंग बिग, स्पेशली माई फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली के साइड से बहुत ही स्क्रूड अप और बहुत ही अजीब सा एक लाइफ स्टाइल मिला बचपन से, कि अम्मी ना होना, डैड का रीमैरी कर लेना, फिर छोटे भाई का इंतकाल हो जाना, ही वॉज द ओनली सिबलिंग, जब वो था तब उसकी कदर ना होना, तो बिल्कुल एक अकेलापन और लिविंग विदाउट अ फैमिली, एंड द ओनली फैमिली आई हैव इज माई फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो लिविंग ऑन द एज में आके ये तमाम परेशानियाँ दूर तो नहीं होंगी? स्टिल आई वुड बी अ पार्ट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, एडवेंचर्स, हॉर्स राइडिंग मेरा
सबसे फेवरेट काम है। जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हूँ मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। तो हॉर्स राइडिंग यहाँ तो करवाएंगे नहीं हम? आप नहीं कराएंगे लेकिन स्टिल इट वुड एड मोर ऑफ द स्पाइस ऑफ एडवेंचर्स एंड ऑल। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है जिंदगी में और बुरा कौन लगता है, दोनों जगह क्या लिखा है आपने? मैंने उन दोनों जगह पे होस्ट का नाम लिखा है, दैट इज बुकार जगह, लिविंग ऑन द एज। क्या लिविंग ऑन द एज बुरा लगता है? मैं बुरा लगता हूँ, मैं पसंद हूँ, लिविंग ऑन द एज पसंद है, क्या चक्कर है? नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा जी सुनाए। मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, मेरी ऑलरेडी स्क्रूड अप लाइफ में जो एक और टर्न आया था, दैट वॉज ऑफ माई डिवोर्स एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ वकार जका, लिविंग ऑन द एज। क्या इसका रीज़न ये है कि आई यूज टू वॉच योर शो डेली लाइक ऑन यूट्यूब्स, ऑल दो मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम याद नहीं होते थे, मुझे एज सच पता नहीं होता था किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं। अमूमन ईद पे आपके शोज रिपीट हो रहे होते नहीं, थे। वो, एक मिनट, मुझे बात लंबी नहीं करें, आप क्या कह रही हैं कि आपकी डिवोर्स मेरी वजह से हुई है? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मेरी वजह से कैसे होगी आपकी डिवोर्स? मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आपके शोज जिस तरह देखा करती थी कि हाँ दिन रात के चलो लाइक, और जो ड्रामा वगैरह चल रहे होते हैं उससे मैं हट के कुछ देखना चाहती। नहीं मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मेरी वजह से आपके डिवोर्स कैसे हो सकती है? तो आप मेरी स्टोरी पूरी तो सुनिए, तो आप थोड़ी छोटी कर लेना स्टोरी को। अच्छा, मैं इन द शॉर्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है वो। जी तो जब मैं इतना ज्यादा एंथुजियास्टिकली देख रही होती थी और मैं तारीफें कर रही होती थी, अरे देखो फलाना डेयर ये किया, आज इस शो में ये हो गया, आज इस शो में वो हो गया, तो उस बात को लेके बहुत इश्यूज चढ़े, बहुत इश्यूज चलते गए एंड इन द लास्ट आई वाज हैविंग अ चॉइस वेदर यू गो फॉर दिस लिविंग ऑन द एज थिंग और वेदर यू गो फॉर मी। नहीं ये मुझे समझ, मी क्या मतलब? बस इट हैड, किसने आपसे बोली ये बात? आपकी सास बोलती थी, हस्बैंड बोलता था, कौन? नहीं नहीं मेरे हस्बैंड से इस तरह की बात हुई है। आपका हस्बैंड ये बोलता था कि आप वकार जका के शो देखती हैं तो इसलिए आपको तलाक दे दी उसने? एक्चुअली तो आप नहीं, बनती ना? नहीं देखिए तो आप छोड़ देती शो बढ़ के थोड़ी आपके हस्बैंड से? शो बढ़ के नहीं है लेकिन इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती है ना उस शो में, अगर कोई अच्छा कर रहा है लाइक अगर पता है क्या, एक मर्द की भी बात मैं बताती हूँ, उस शो में आपके जो शोज होते हैं उसमें लड़कियाँ आगे बढ़ के डेयरिंग चीज़ें कर रही होती हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स देता है।